पुलिस के शिकंजे में आ गई तो उसके बाद हवालात में कैसे कटी है हरिप्रीत की पहली रात। सबसे बड़ी राजदार सवालों की एक लंबी लिस्ट पुलिस के पास थी। कौन कौन से सवालों के कितने सटीक जवाब मिले हैं पुलिस को, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि मिडनाइट ड्रामा कैसा रहा हनीप्रीत का। राम रहीम की बेहद करीबी हनीप्रीत को आज पंचकुला कोर्ट में पेश किया जाएगा, ये भी आपको बता दें। पुलिस पूछताछ के लिए हनीप्रीत को रिमांड पर लेने की बात कहेगी। 38 दिन से फरार हनीप्रीत आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गई। हवालात में हनीप्रीत की पहली रात बेहद बेचैनी के साथ गुजरी है। आपको बताएं, सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि जेल में कैसे कटी है हरिप्रीत की पहली रात। हरिप्रीत को खाने के लिए रोटी दाल दी गई, बहुत बेमने से उसने रोटी दाल खाई है। हरिप्रीत ने 2 रोटी और दाल खाई। खाने के बाद हरिप्रीत से पूछताछ की गई, तड़के सुबह 3 बजे तक पूछताछ हुई है। और उसके बाद जब सोने की बारी आई तो एक कंबल मिला था, लेकिन कई दफा देखा गया करवटें बदल रही थी, बहुत बार रो पड़ी है, सीने में दर्द की शिकायत भी एकाएक करने लगी। पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची तो ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल आया है। और आइए अब आपको बताते हैं हरिप्रीत से हरियाणा पुलिस ने क्या क्या सवाल पूछे हैं। रोहतक की सुनारिया जेल से लौटने के बाद आप कहां थी, ये सवाल था पुलिस का। पवन और आदित्य इंसा से आखिरी बार कब बात की आपने? पवन और आदित्य इंसा कहां है? पंचकुला में दंगे करवाने के लिए कितने रुपए भेजे गए थे? पंचकुला दंगे करवाने में किसका अहम रोल था? डेरे की 45 मेंबर वाली कमेटी का क्या रोल था? कई सवाल थे पुलिस के पास जिनका जवाब वो तलाश रही थी, अक्सर रोकर इसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या पुलिस रेट की पहले से ही जानकारी मिल जाती थी आपको, इस पर उसने जवाब दिया नहीं। क्या पुलिस में कोई भेदिया भी है जो आपको जानकारी पहले ही दिया कर रहा था, इसका भी जवाब उसने न भी दिया। पुलिस रेट से पहले हर बार कैसे निकल जाती थी आप? रोहतक की सुनारिया जेल से लौटने के बाद आप कहां थी, ये सवाल। और इस पर विस्तार से बातचीत के लिए आपको बता दें, 2 संवाददाता हमारे साथ हैं। विपिन परमार हमारे साथ अदालत के बाहर से हैं और साथ ही साथ नरेश बिस्वानी थाने के बाहर से हमारे साथ मौजूद है। पहला सवाल मेरा नरेश आपसे होगा। पंचकुला की सेक्टर 23 थाने में पूरी रात पूछताछ की गई है हरिप्रीत को, पहले तो ये बताया हवालात में रात कैसी गुजरी और किन किन सवालों का जवाब मिल पाया है पुलिस को? देखिए, रात भर यहां पर वो जैसा कि आपने बताया कि करवटें बदलती रही, वो सो नहीं पा रही थी रात को, और अचानक ही रात को एक बजे के आसपास उसने सीने में दर्द होने की शिकायत यहां पर की और ये बात भी कही कि उसके सिर में दर्द है क्योंकि उसको माइग्रेन है, जिसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया। वहां पर ईसीजी की जो रिपोर्ट है बिल्कुल नॉर्मल आई, लेकिन पुलिस ने यहां पर काफी देर तक पूछताछ की गई। बाकायदा तमाम अधिकारी यहां पर तैनात थे रात भर और पूछताछ कर रहे थे। उनका सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह था कि आखिरकार आप रेड पड़ने से पहले ही वहां से कैसे निकल जाया करती थी किसी जगह से, तो पुलिस को लगता है कि क्या कोई अधिकारी इसमें शामिल है जो किसको पहले इन्फॉर्मेशन दे दिया करता था। इसके अलावा पुलिस ने एक मोबाइल फोन रिकवर किया है इसके पास से, जो जिन सवालों के जवाब ये दे नहीं रही है उन सवालों के जवाब उसके व्हाट्सएप और फोन से मिल पाएंगे, पता चल पाएगा कि आखिरकार ये किस किस के संपर्क में थी, किससे कितने समय तक इसकी बात हुई, ये तमाम चीजें हैं जिससे पुलिस को पता चल पाएगा। साथ ही साथ लंबी फेरिस्त की बात आपने यहां पर कही, तो करीब 25 से 30 सवाल ऐसे हैं जो कि फेरिस्त में शामिल है और लगातार इससे पूछताछ की जा रही है। ये एक तरह से कहा जाए कि प्लानिंग के तहत ही इसने यहां पर एक तरह से कहा जाए कि सरेंडर किया, क्योंकि सूत्र यही बताते हैं कि इसने सरेंडर किया है 38 दिनों में। पुलिस माने करना, नरेश पुलिस तो कह रही है कि हमने गिरफ्तार किया है, वो कह रही है हमने सरेंडर किया है। पुलिस की कार्यशैली पर भी 100 सवाल खड़े हो रहे हैं, सवालों की लंबी फेरिस्त है, जवाब कैसे मिलेंगे? आईजी ममता सिंह की अगुवाई में टीम तो बन गई है, लेकिन पुलिस अगर ये कह रही है कि ये कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है, हर बार या तो रोती है या फिर ना बोलती है, सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे रही है, तो जवाब कैसे मिलेंगे? रुक कर सकते हैं हम विपिन परमार का। विपिन, पुलिस की यही कोशिश होगी कि आज कोर्ट में पेशी हो और उसके बाद रिमांड पर लिया जाए, सवालों के जवाब मिले। आज कोर्टरूम के बाहर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है?
यहाँ पर आने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। देखिए बिल्कुल कविता, पूरा का पूरा कॉर्डन ऑफ किया गया। 25 अगस्त के दिन भी इसी तरह का आलम था और आज भी वही आलम है। कंटीली तारे देखी जा सकती है, बैरिकेटिंग देखी जा सकती है। इस पूरे मामले में लीगल एस्पेक्ट्स क्या रह सकते हैं, इसको लेकर हमारे साथ पंचकुला जिला अदालत में जो प्रमुख अधिवक्ता रोजाना इन केसेस से डील करते हैं वो है। थोड़ा आगे आ जाए, मैं चाहूंगा जिस तरह से ये प्रोसिक्यूशन पर अब डिपेंड करता है, आज कोर्ट में पेश किया जाएगा तकरीबन 2 बजे, तो क्या क्या आधार जो है प्रोसिक्यूशन यहाँ पर रख सकते हैं? प्रोसिक्यूशन डिपेंड करेगा ना पुलिस पे कि कितना उनके पास क्या क्या आरोप है, उसके कितने दिन का रिमांड उनको चाहिए, क्या इन्वेस्टिगेशन करना है, किस किस से पूछताछ करनी है, ये डिपेंड करेगा प्रोसिक्यूशन पे। मैक्सिमम 14 दिन का रिमांड सीख कर सकते हैं और 14 दिन का रिमांड कोर्ट दे सकती है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कितने दिन का वो सीख करते हैं, जज ने देना होता है, इट्स ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। हनीप्रीत लगातार कह रही है कि वो निर्दोष है, और ऐसे में हनीप्रीत के अधिवक्ता जो पेश होंगे कोर्ट में, क्या कुछ आधार उनकी ओर से रखा जाए? एट दी सेज जो है प्रेम ऑफ सही हैज टू बी सीन, प्रेम ऑफ सही देखा जाएगा, उसके आधार क्या रहेंगे ये मैटर ऑफ ट्रायल है, एट दी स्टेज नहीं कंसीडर किए जाएंगे, इट्स एट दी स्टेज तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, पुलिस रिमांड मांगेगी तो जज दे देता है उसमें नॉर्मली केस। तो बिल्कुल प्रेमफेसी की बात की जाए कभी तो यहाँ पर रिमांड जरूर सीख किया जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे राज हैं जो कि पुलिस जानना चाहती है। बिल्कुल सबसे बड़े राजदार है, कई सवाल है जिनके जवाब अभी आने बाकी है। और बड़ी बात तो ये रहेगी कि 38 दिनों से आप फरार चल रही थी, अगर आपकी जान को खतरा था, आप बेकसूर थी, तो फिर आप कोर्ट की शरण में क्यों नहीं आई और आने में इतनी देरी क्यों कर दी, और वो भी तब जब आपने सरेंडर नहीं किया, आपको गिरफ्तार किया गया है। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे दोनों संवाददाता विपिन और नरेश हमारे साथ बने हुए इस बड़ी खबर पर दिन भर बने हुए हैं, पल पल के अपडेट्स आप देखेंगे सिर्फ इंडिया न्यूज पर, बने रहिए हमारे साथ।